आज हम क्लास 8th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इस कहानी में यह है कि विपिन चौधरी को कोई व्यक्ति एक किताबों की दुकान पर मिलता है और वह उनको एक घटना के बारे में याद दिलाता है जो कि घटना रांची में घटी थी, लेकिन विपिन चौधरी ये कहते हैं कि वे रांची कभी गए ही नहीं। तो राइटर इसमें क्या कहता है पहले हम पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड में। डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू, क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई भी ट्रिक खेली है, चाल खेली है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. भुलक्कड़पन आपको अक्सर मुश्किल में डाल देता है, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. लेकिन आपके जीवन का एक भाग पूर्ण रूप से भूल जाना आपको पागल बना देता है। In this story, इस कहानी में विपिन बाबू goes nearly crazy. विपिन बाबू लगभग पागल से हो जाते हैं because क्योंकि he cannot recollect his stay at रांची, क्योंकि उन्हें अपने रांची में ठहराव की जो घटना है वो याद नहीं आती। He has never been to रांची, वे कभी भी रांची नहीं गए हैं। He insist, वह जोर देते हैं, though there are many witnesses to the contrary, इसके विरोध में वहां कई सारे विटनेसेस भी हैं, गवाह भी हैं। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, इस सब दुविधा के बारे में क्या है इस कहानी में अब हम पढ़ेंगे। विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। एवरी मंडे ऑन हिज वे फ्रॉम वर्क, प्रत्येक सोमवार अपने काम से घर लौटते समय विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण्स इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। विपिन चौधरी नए बाजार में किताबें खरीदने के लिए कहाँ रुकते थे? कालीचरण्स। कालीचरण एक किताबों की दुकान का नाम है, वो वहां पर रुका करते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, वहां कौन सी किताबें होती थी? अपराध की कहानियां, भूतों की कहानियां और रोमांचित कहानियां। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. पूरे सप्ताह चलाने के लिए उन्हें at least तक कम से कम कितनी किताबें बाय करनी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी? 5। 5 किताबें उन्हें खरीदनी पड़ती थी। He lived alone, वह अकेले रहते थे, was not a good mixer, और वो किसी से ज्यादा घुलते मिलते भी नहीं थे, had few friends, मित्र भी उनके न के समान थे, बहुत ही कम मित्र थे, and didn't like spending time in idle chat, और व्यर्थ की वार्तालाप करने में भी उनको ये पसंद नहीं था, यानी व्यर्थ की वार्तालाप में समय बिताना उनको पसंद नहीं था। टुडे, आज एट कालीचरण की दुकान पर विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। विपिन बाबू ने यह महसूस किया कि कोई उन्हें बहुत ही निकटता से ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यानपूर्वक देख रहा है। ही टर्न्ड राउंड, वह मुड़े, and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. और अपने आप को एक बहुत ही विनीत दिखने वाले, गोल चेहरे वाले व्यक्ति को अपनी तरफ देखते हुए पाया और वह broke into, यानी एकाएक वह मुस्कुराने लगा। I don't suppose you recognize me. मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। Have we met before?
asked विपिन बाबू। अब विपिन बाबू कह रहे हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? The man looked greatly surprised। वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित दिखाई दिया। We met every day for a whole week। हम एक पूरे सप्ताह प्रतिदिन मिले हैं। I arranged for a car to take you to the Hudroof Falls। मैंने हुद्रू फॉल यानी हुद्रू पर्वत जाने के लिए आपके लिए एक कार की व्यवस्था की थी इन 1958 इन रांची 1958 में रांची में। माय नेम इज पीरामल घोष। मेरा नाम पीरामल घोष है रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट। अब विपिन बाबू ने यह महसूस किया कि इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, कि यह वह नहीं थे जो कोई गलती कर रहा है, जबकि वह सामने वाला व्यक्ति है जो कोई गलती कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। उन्होंने कई बार वहां जाने की योजना बनाई थी बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी गए नहीं थे। ही स्माइल्ड एंड सेड, वह हंसे और कहा, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, आदमी ने अपनी भौहें उठा ली। बिट हिज टंग, अपनी जीभ को काटा। एंड सेड, और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजंट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? विपिन बाबू नाउ turned towards the bookshelves and said, विपिन बाबू अब किताबों की दराजों की तरफ मुड़े और कहा, still you are making a mistake, अभी भी आप गलती कर रहे हो। One often does, व्यक्ति अक्सर करता है। I never been to रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। The man now laughed aloud, अब व्यक्ति बहुत जोर से हंसा। What are you saying, Mr. चौधरी? आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? You had fall in Hudru and cut your right knee. आप हुद्रू में फाल गिर गए थे और जिसे आपके जो दायां घुटना है उस पर लग गई थी, कट लग गया था। I brought you iodine, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। I had fixed up a car for you to go to नेत्रहत the next day, और अगले दिन मैंने आपके लिए नेत्रहत जाने के लिए कार का प्रबंध भी किया था। But you couldn't, लेकिन आप जा नहीं सकते थे because of the pain in the knee, क्योंकि आपके घुटने में दर्द था। Can't you recall anything? क्या आपको कुछ याद नहीं आया? Someone else you know was also in रांची at that time। उस समय रांची में और भी कोई था जिसे आप जानते हैं, वो रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यानी अब ये कह रहे हैं कि उस समय मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी रांची में थे। You stayed in a bungalow, आप एक बंगलो में रुके थे। You said you did not like hotel food, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। And would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची, और आप वही खाना खाना पसंद करते हैं जो कि किसी बावर्ची के द्वारा बनाया गया हो। मिस्टर मुखर्जी stayed with his sister, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके थे। You had a big argument about the moon landing, remember? आपकी उनसे चंद्रमा का धरती पर उतरने के बारे में बड़ी बहस हुई थी, याद है? I shall tell you more, मैं आपको और भी अधिक बताऊंगा। You always
कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। आप दर्शनीय स्थलों की सैर यात्रा पर अपने साथ एक थैला ले जाते हैं जिसमें क्या होती है, आपकी बुक्स होती है। एंड आई एम राइट और नॉट, क्या मैं ठीक हूं या नहीं? बिपिन बापू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू धीरे से बोले और उनकी आंखें अभी भी कहां थी, किताबों पे थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 1958 में कौन से महीने की आप बात कर रहे हैं? द मैन सेड, आदमी ने कहा, अक्टूबर, अक्टूबर की बात कर रहे हैं। नो सर, सेड विपिन बाबू। विपिन बाबू ने कहा, नहीं श्रीमान। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। 1958 में मैंने कानपुर में अपने मित्र के साथ क्या की, एक पूजा पाठ में वो समय मैंने स्पेंड किया था, व्यतीत किया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हो। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वह व्यक्ति गया नहीं। नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही वह बोलने उसने बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब है। वन इवनिंग, एक शाम, आई हैड टी विद यू इन ए बरामदा ऑफ योर बंगलो। एक शाम जब मैं आपके साथ आपके बंगलो पर बरामदा में चाय पी थी, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड, आपने कहा, यू हैड नो चिल्ड्रन, आपके कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और आपने अपनी पत्नी को 10 साल पहले ही खो दिया है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपके एक भाई था जो कि पागलपन में मर गया। विच इज वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसीलिए आप रांची में पागलों के अस्पताल को देखना भी नहीं चाहते। When Vipin Babu had paid for the books, जब विपिन बाबू ने किताबों के पैसे अदा कर दिए and was leaving the shop, और उस दुकान को छोड़ रहे थे, the man was still looking at him in utter disbelief. वह व्यक्ति अभी भी अत्यधिक अविश्वास से उनकी तरफ ध्यान से देख रहा था। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट है वो पूरा होता है। इसके बाद अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, उसमें देखते हैं कि अब आगे क्या होता है।